लोगों से संपर्क कर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सफाई के प्रति जागरूक गतिविधियां आयोजित की जा रही है और साथ में इसी कड़ी में खंडवा नगर निगम में इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन किया गया है। ये अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। शहर के जोन क्रमांक 6 में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में साइकिल रैली निकाली गई। रैली में नगर निगम कर्मचारियों के साथ स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। इस दौरान बच्चों को शपथ दिलाई गई। खंडवा में नगर पालिका निगम द्वारा इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 अभियान तहत शहर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की गई, जैसे आनंद नगर सीएम राइज स्कूल में निबंध एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 30 बच्चों ने भाग लिया, जिनके द्वारा निबंध और स्लोगन प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 स्वच्छता ही सेवा रामेश्वर कुंड में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत श्रमदान खंडवा गोविंदा द्वारा किया गया। इसमें श्री दादाजी स्वच्छता ग्रुप कवि कला संगम समूह के सदस्यों ने भाग लेकर कुंड एवं मंदिर क्षेत्र की सफाई की। इसमें स्वच्छता के मामले में इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर शहर अपने अपने यहाँ एक अलग नाम से टीम बना करके सफाई अभियान को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। सीधा उद्देश्य जनता को मानक स्तर की स्वच्छता प्रदान करने के लिए यह अभियान छेड़ा गया है। हमारा अभियान कुछ समय के लिए वर्षा के कारण बाधित था, लेकिन हमारी टीम फिर से फील्ड में उतर चुकी है और सफाई पे हम लगातार काम कर रहे हैं। इंडियन स्वच्छता लीग जो है, इसमें खंडवा की टीम का नाम खंडवा गोविंदास के नाम से रखा गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सफाई कार्य करेंगे, स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं लोगों को। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम जागरूक कर रहे हैं। हमने सभी कर्मचारियों के लिए जो सेफ्टी गियर्स होते हैं उनके उपयोग के बारे में एक कार्यशाला रखी हुई है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने कर लिया है। बच्चों के द्वारा बच्चों में जागरूकता के लिए एक बार साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। पहले तो स्वच्छता के बारे में शहर के लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम पालिका द्वारा और MGM स्कूल द्वारा ये रैली का आयोजन किया गया है, जिससे साइकिल रैली के माध्यम से शहरवासियों को ये जागरूक करे कि हमारे लिए स्वच्छता कितनी जरूरी है, हमारे शहर को कितना स्वच्छ रख सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि हमारे घरों के जो गीला और सूखा कचरा आता है उन्हें वो कचरा गाड़ी में ही डालना चाहिए, अलग अलग ही डालना चाहिए, और घर की जो सब्जियां निकलती है उसे खाद घर में ही बनाना चाहिए।